BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्ते, मैं मीना शिंदे, ब्रांच 892। मुझे 7.5 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। मेरे डीओ है मिस्टर चौहान सर। मुझे कोविड के पहले काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स मैंने लिए है, जैसे IOE है, दीपक दाबलिया जी का कोर्सेस है, काफ़ी सारे कोर्सेस मैंने लिए। बट कोविड के बाद में मुझे एक फिजिकली कोर्स करना था और मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कि क्या करूँ, मैं किसकी ट्रेनिंग लूँ। और मुझे थोड़ा सा एक अट्रैक्शन हो गया था कि मैं COT TOT ऐसे कुछ लोगों को सुनूँ। तो मुझे अचानक शैले जोशी सर, जो हमारे TOT एडवाइज़र हैं, उनका फ़ोन आया कि मैडम अभी हम लोग ना अप्रैल महीने में जा रहे हैं मेगा माइंड शो, BITV का एक शो है, वहाँ पे सारे TOTs आके अपना अपना शेयरिंग देते हैं, क्या आप इंटरेस्ट लेंगे तो आप आ जाइए हमारे साथ में। मैंने एक मिनट भी नहीं सोचा कि मुझे कोविड के बाद कुछ बोलते ना कि कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा लोगों का, एक्स्ट्रा अचीवर जो जिन्होंने किया है काम इस फील्ड में, इंश्योरेंस फील्ड में, उनका सुनने के लिए मैं उल्टा मतलब वेट कर रही थी कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके इनको सबको सुनूं। तो मुझे मौका मिला और मैंने फीस पे कर दी और मैं लास्ट अभी 3 दिन 25, 26, 27 रिदम होटल में BITV का मेगा माइंड शो था, मेगा माइंड नेशनल शो था और मैं वहाँ पे गई। तो तीनों दिनों में आजू बाजू में जो लोग बैठे थे, जो एडवाइजर बैठे थे, वो साक्षात ऐसे लग रहे थे कि भगवान ही है जो घूम रहे यहाँ वहाँ। क्योंकि किसी ने 35 साल इस इंडस्ट्री को दिया है, किसी ने 40 साल इंडस्ट्री को दिया है, किसी ने 25 साल इंडस्ट्री को दिया है और सारे TOT एडवाइजर हमारे आजू बाजू में हैं। और मेरा तो 13 टाइम MDRT हुआ है, तो एक अट्रैक्शन होता है कि इन्होंने TOT कैसे किया। तो इतने ओपन अप तरीके से रंजीत सर ने वहाँ पे उनका इंटरव्यूज लिया था कि सारी चीज़ें वो बाहर मतलब ला रहे थे कि उन्होंने किस तरह से TOT करना शुरू किया, उनका टारगेट सेगमेंट कौन सा है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बड़े बड़े एडवाइजर्स की सुनने नहीं मिलती, जो मुझे भी 8 साल 7.5 साल से नहीं मिल रही थी सुनने के लिए। तो मुझे ये सब सुनने मिला 3 दिन के शो में। मतलब हर एक दिन में 4 से 5 जो स्पीकर्स थे वो बढ़िया तरीके से अपने TOT के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजी, उनका बैक ऑफिस, उनका जो वर्किंग स्टाइल वो बता रहा था। फिर मतलब फिर योगा, फिर ध्यान साधना, मेडिटेशन, मतलब काम करते समय खुद को कितना कूल रखना है, ये पूरा दिन का जो समरीज था रंजीत सर का। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत डिफरेंट तरीके का ये सारा 3 दिन का सेशन उन्होंने रखा था, मज़ा आ गया। बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स मिले जो हमें TOT बनने के लिए, बनाने के लिए वो लोग भी अभी कोशिश करेंगे, हमारा भी कोशिश रहेगा कि इस साल हमारा TOT करके अगले साल के मेगा नेशनल मेगा शो में जाना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी एडवाइजर्स के लिए जो हम लोग को फॉलो करते हैं या हम भी जिनको फॉलो करते हैं, कि रियली में ज़िंदगी में कुछ हटके अगर आपको करना है, कुछ अलग जोशीले और एकदम डिफरेंट काम करने वाले लोगों को मिलना है, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेगा BITV का। तो अगले साल के लिए तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया ही है, आप भी करेंगे और हम सब वहाँ पे मिलेंगे और एक दूसरे के शेयरिंग से हम एक दूसरे को बड़ा करेंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को हमें बड़ा करना है, हमारे जो भी एडवाइजर्स है, भाई बहन है, उनको सबको बड़ा करना है। एक दूसरे की आइडिया मिक्स मतलब एक आइडिया जो बदल दे दुनिया। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे सीखने को 3 दिन में मिले और मैं अपने 3 दिन के जो भी जो मैंने सीखा है उसकी स्ट्रैटेजी पे मैं काम करना मैंने शुरू किया है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और मेरा MDRT TOT COT तो होगा ही। आप भी आइए, मिलिए वहाँ पे सारे COT TOTs को, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।